अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों एक बहन ने अपना ख्वाब भेजा है और उसकी ताबीर मालूम की है। ख्वाब क्या है इनका, फिर मैं इसकी ताबीर भी बतलाता हूँ। इनका ख्वाब ये है कि मुझे अक्सर ख्वाब आता है कि मैं भाग रही हूँ और मेरे पीछे कुछ लड़के भाग रहे हैं। तकरीबन बचपन से मैं ये ख्वाब देखती हूँ कि भाग रही हूँ और कोई मेरे पीछे है, बराए करम ताबीर बताएं। मोहतरमा, आपने ये जो ख्वाब देखा है कि आपके पीछे कोई भाग रहा है, लड़के आपके पीछा कर रहे हैं, ये ख्वाब आपके हक में अच्छा नहीं है और मैं इसकी ताबीर इस शर्त पर आपको बतला रहा हूँ कि इस ताबीर को सुनने के बाद आप इस ताबीर पर ज़रूर अमल करें। और मेरे नाज़रीन में से भी अगर किसी ने ये ख्वाब देखा है तो फिर इसकी ताबीर को समझ ले, सुन ले और जो कुछ बतलाया जा रहा है उस पर अमल करें। इसकी ताबीर ये है कि इस ख्वाब में इशारा है कि ख्वाब देखने वाली जो हमारी बहन है ये ज़ेब व ज़ीनत नाजायज़ बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत में और इसी तरीके पर गुनाहों में बहुत ज़्यादा मुलव्विस रहती है, यानी इनसे अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है। खुसूसन ये इस तरीके के बनाव सिंगार में अपने आप को मुलव्विस रखती हैं जिसकी शरीयत की हुदूद में इजाज़त नहीं है। इसी वजह से इसके पीछे इनके पीछे वो लड़के भागते हुए नज़र आते हैं। इनको अपने आप को उन लड़कों से, उन लड़कों के बारे में सोचना चाहिए कि वो लड़के नहीं हैं बल्कि वो शैतान और नफ्स है जो इंसान को बहकाने के लिए कोशिश करता है। इस ख्वाब के इस शर से बचने के लिए अब क्या करना चाहिए? जिस बहन ने हमारी ये ख्वाब देखा है उनको अपने आप को इस ख्वाब के शर और बुराई से बचने के लिए ये करना चाहिए कि अव्वलन तो वो नेकियों का अहतमाम करें, नमाज अगर नहीं पढ़ती पाबंदी से नमाज पढ़ें, और दूसरा काम ये है कि अल्लाह से डर अपने अंदर पैदा करें, आखिरत की जानिब अपने दिल को खींच करके ले जाएं और अपने दिल से ये कहें कि तुझे एक दिन मरना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। इस ख्वाब के शर से बचने के लिए चंद काम कर लें और सदक़े का अहतमाम करें, अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको इस तरीके के ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप लगातार अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह में लगी रहीं, नाफरमानियों का सुदूर आपसे होता रहा, तो फिर ये शैतानी नफसानी ख्वाब हैं जो आपको ख्वाब में आकर नफ्स और शैतान बार बार परेशान करता रहेगा और आप परेशान होती रहेंगी। पाक रहा करें, इबादत की कोशिश करें, नेकियाँ करें, खुसूसन फ़र्ज नमाजों का अहतमाम करें और तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह आपको नफ्स और शैतान के शुरूर और फितन से महफूज रखेगा। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।